해도록 뵙기야. What's up, everyone? Welcome to the most massive YouTube channel. Welcome to 6TV. And guys, welcome back to another reaction video. And मुझे जो आज की वीडियो हम react करने वाले guys, मतलब आपने title देख रखा है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा interesting लग रहा है वाला topic जो आज हम react करने वाले हैं. And आज किशन जी के बारे में है. So मैं जल्दी से guys video play करता हूँ. But guys, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ guys, ये जो मैं videos upload करता हूँ ना YouTube में, मतलब मम्मी आपको पता ही होगा मेरे इतने सारे copyright आता है, मैं आपको बता ही रखा था. तो guys, मतलब मेरे को एक एक वीडियो को यार तीन तीन बार अपलोड या चार बार, कभी तो पांच बार भी अपलोड करना पड़ता है. इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार देखो ये जो वीडियोज होती है इसकी जो मम्मी क्लिपिंग है ना, मतलब वो ना यार अलाउड नहीं है. तो मेरे को यार बार बार अपलोड करता हूँ मैं, और फिर वापस से मैं डिलीट करता हूँ चीजें एंड देन वापस अपलोड. मतलब बहुत ज्यादा इसमें टेंशन होती है मेरे को. सो जो भी है यार, प्रॉब्लम अगर होती है तो भाई प्रॉब्लम को फेस भी करना आना चाहिए, क्योंकि किशन जी ने यही कहा है. सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं किशन जी के एक वीडियो को प्ले. जल्द से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ एंड देन हम रिएक्ट करते हैं, देखते हैं हमें उसके बाद में क्या कहना. सो ये रहे मेरे हेडफोन्स, आई मीन एयरपॉड्स. बार बार हर वीडियो में गाइस, आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी, मैं हमेशा एयरपॉड्स का हेडफोन्स बोल देता हूँ. पर चलो कोई नहीं गाइस, हेडफोन्स मैंने लगा लिए अपने ईयर्स में और मैं चलाने वाला हूँ अपनी वीडियो. सो गाइस, अब आप आ चुके हो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड ये रही मेरी वीडियो क्रिशन जी की. तो मैं इसको प्ले करता हूँ एंड देखते हैं. अच्छा, ये मेरे को पता है ऐसे, बट चलो लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते हैं. आवाज आ रही है? आ रही है. दुष्ट शतामा, तुमने जो कार्य किया है ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया. तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है. तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा, अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे. तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुए रुए से रक्त और पी बहेगा. तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं. ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, अधिक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी. तारा तबाश तुम्हें धुतकारता रहेगा किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा, श्वास लेते रहोगे. क्या हो गया इनकी?
बेहोश हो जाते हैं ना ये, वो भी खत्म हो गई वीडियो। सो गाइज आपने वीडियो देखी है अभी एंड मेरे हिसाब से अभी इसमें हमें अभी तो ये समझ आया किशन जी ने उनको शायद कुछ श्राप दिया है कि वो कभी मरेंगे नहीं और मतलब अमर ऐसे ही अमर कर दिया है। गाइज ये मेरे को इतना जितना पता है शायद अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है, जिंदा है, वो भटक रहे हैं लेकिन लोग मृत्यु नहीं मिली। हाँ लोग मतलब कहते हैं कि भाई वो अभी भी जिंदा है एंड किशन जी के श्राप की वजह से वो आज भी इस टाइम पे अर्थ पे है, मतलब पता नहीं कहाँ पे है बट हमें नहीं पता चलेगा वो है कहाँ पे, वो जगह जगह घूमते रहते हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते। सो मेरे हिसाब से श्राप शायद किस लिए दिया था, शायद भगवत गीता में भी इसके बारे में मेंशन है, तो मैं आपको कुछ पता है श्राप क्यों दिया था? वो श्राप इसलिए दिया था कि जो सारे पांडवों के जो वो थे ना पुत्र, हाँ जी उनके उनका सबको मार दिया था इसने, पांडव 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 समझ के। हाँ तो वो निकले उनके पुत्र, तो अब बहुत मतलब बिल्कुल पाप सर से जब भर जाता है ना घड़ा पाप का, तो किशन जी आते हैं। हाँ तो अंत होता है फिर, मतलब हमें जितना भगवत गीता में हमें दिखा है किशन जी बिल्कुल शांत दिखते हैं, मतलब उनका हमें ये पढ़ाया गया है कि किशन जी बहुत शांत रहते हैं, बिल्कुल हंसते रहते हैं खेलते रहते हैं, बट गाइज आपने कुछ कुछ जगहों पे किशन जी के आपने देखा कितना ज्यादा गुस्से वाला ये अवतार उनका भाई, जो चक्र जब वो ले आते हैं तब समझो कि बस एंड है भाई, जिसके आगे वो चक्र ले आते हैं भाई वो बच नहीं सकता है और वो कुछ कुछ लोगों के आगे लाते हैं ये, तो मेरे हिसाब से यार अश्वत्थामा ने शायद जो द्रौपदी के बच्चे थे बेटे थे एंड जो पांडव के बच्चे थे, पांच बच्चे थे उनके, उनको इसने छुपके शायद अंधेरे में मारा था, वो शायद सो रहे थे, ना मेरे को याद आ गया है, मतलब पांडवों का जो वो लगा हुआ था ना टेंट सा टेंट लगा था, हाँ, उसमें वो सो गए थे, तो उन्होंने सोचा इसने अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव है, लेकिन क्या निकले उनके बच्चे निकले थे। हाँ तो मतलब सबको मार दिया, उनको गए छुप के मारा था अंधेरे में और ये बहुत ज्यादा बड़ा पाप कर दिया था भाई, और किशन जी ये चीज बिल्कुल भाई नहीं कर सकते थे, और आपने अभी देखा क्या सीन था, उन्हें तो बहुत ही अच्छा सीन था, और आज भी गाइज लोग कहते हैं अश्वत्थामा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जिंदा हैं अभी, जिंदा हैं। और मम्मी आप एक बताई थी शायद गाँव में कुछ आप कहे थे किसी को कुछ मिला था ना, मतलब गाँव में लोग कहते हैं कि भाई आज भी किसी ने देखा है वो, बट पता नहीं यार वो उन्होंने देखा है और उनका घाव भरा नहीं है वो। अच्छा लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो घाव उससे ब्लड निकलता रहता है हमेशा, मतलब गाइस जहाँ पे उन्होंने चक्कर मारा था वहाँ से वो आज कभी ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ उनका। अच्छा जी तो गाइस मतलब ये बात उन्होंने दिया था ना श्राप कि ये घाव तुझे कभी नहीं भरेंगे, तुम्हारा खून निकलता रहेगा, पर उन्होंने ये भी कहा कि लोग तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, तो जो भी लोग कह रहे हैं उन्होंने देखा है मेरे हिसाब से वो सब फेक बातें होंगी, क्योंकि यार अश्वत्थामा ऐसे शायद किसी को मिल नहीं सकते, हाँ। क्योंकि वो कहीं अलग ही होंगे। मम्मी देखो मैं ये तो बिलीव करता हूँ पक्का अश्वत्थामा है इस टाइम पे अर्थ पे कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये सब बातें झूठी थोड़ी है जो हुई है, ये है घुसबम से आते हैं सब बातें देख के यार, मतलब है ना थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ ये सब लोग जिंदा है और कभी दिखाई नहीं दिए, पर ये तो दिखाई देंगे नहीं। हाँ। तो मतलब ये भाई वीडियो मेरे को काफी अच्छी लगी यार, किशन जी का ये जो गुस्से वाला अवतार हमने देखा है काफी मतलब मेरे को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जो काम अश्वत्थामा ने करा था वो काफी गलत ही था। सो सुदर्शन चक्र आपने देखा भाई आ गया, तो वीडियो अच्छी थी काफी, है ना। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला रिएक्शन आपको जैसा भी लगा कमेंट करके मेरे को बता देना, वीडियो को अगर लाइक नहीं करो जल्दी से आगे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइज यल्ला योलो बाय एंड जय श्री कृष्ण।